जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी को कवर कर रहे हैं। काफी समय के बाद इस चैनल पर आलोक इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। जब ये स्टॉक एनसीएलटी के विवादों में घिरा हुआ करता था, उसके बाद से कुछ समय तक के लिए मैंने इसको कवर करना, हालांकि तब भी मैं बीच बीच में इसके ऊपर वीडियो बनाता रहा, लेकिन अब चूंकि एनसीएलटी के विवादों से बाहर आ गया और अब ये स्टॉक आलोक इंडस्ट्रीज जो है मुकेश अंबानी की हिस्सेदारी वाले स्टॉक के नाम से ज्यादा जाना जाता है, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में हम वीडियो बना के जो इसके निवेशक हैं या जिस पैसा लगाना चाहते हैं उसको अपडेट करें देखेंगे, तो इतने दिनों में कंपनी का आकार काफी बढ़ गया। कंपनी लगभग मिड कैप श्रेणी से भी ऊपर की तरफ यानी कि लार्ज कैप सेगमेंट कदम रखने जा रही है। कंपनी का आकार स्वरूप सब बदल गया है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है काफी गिरा है। हालांकि आज थोड़ी सी तेजी देखने को इसमें मिली है, लेकिन चार्ट पर देखेंगे तो एक लंबे टाइम फ्रेम में लगता है स्टॉक डाउन ट्रेंड में आपको आते हुए दिखेगा। तो इसके पीछे की वजह को समझेंगे, आपको बताऊंगा कि कब से इसमें फिर से स्थिरता आएगी और इसमें फिर से इसमें तेजी देखने को मिलेगी। कंपनी के क्वार्टर टू के नतीजे आ गए हैं, क्वार्टर टू के नतीजे अनुमान के मुताबिक नहीं आए हैं, यह भी एक वजह है जिससे कंपनी के शेयर प्राइस नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आसान भाषा में विस्तार से कवर करेंगे इस वीडियो में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज हम सभी जानते हैं कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी है। ये जो कंपनी है कपास और पॉलिस्टर सेगमेंट में काम करती है, यहाँ पे विस्तार से कंपनी का काम काज लिखा हुआ है। कंपनी का मुख्य बिजनेस बुनाई, बुनाई होम टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स एंड पॉलिस्टर यार्न है। इन सभी चीजों से कंपनी कपड़ा बनाती है और फिलहाल ये एक लॉस मेकिंग कंपनी के तौर पर जानी जा रही है। लॉस मेकिंग खैर शुरू में तो नहीं थी, बाद देखिए वैसे भी टेक्सटाइल सेक्टर के जब आप देखेंगे फंडामेंटल्स तो काफी बढ़िया नहीं होते, बहुत मजबूत नहीं, क्योंकि इसमें फैक्ट्रियां बहुत लगानी पड़ती हैं और इनके पास डेप्ट भी कुछ कम नहीं होता है। लेकिन और भी जो इस सेक्टर की कंपनी है उनके उनके फंडामेंटल्स इतने बुरे नहीं है जितने इस कंपनी के हैं। हालांकि जब उम्मीद थी कि जब मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसमें हिस्सेदारी अपनी बढ़ाएगी, इसमें हिस्सेदारी लेगी तो थोड़े बहुत कंपनी के डेप्ट कम होंगे, कंपनी के फंडामेंटल बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। इस वजह से ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लोग इसमें पैसा लगाए हैं उनको इस कंपनी में भरोसा करना। आप एक साल के चार्ट पर जब आप इस स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट दिखेगी, प्राइस निकला, ऊपर निकला जरूर लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। प्राइस ऊपर गया और फिर यहीं पर प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस धीरे धीरे डाउन आया, और डाउन आकर भी देखेंगे तो कुछ समय तक तो रेंज बाउंड में ट्रेड किया, यहाँ पर ठीक था 25 रुपए से लेकर 30 रुपए के बीच में स्टॉक का प्राइस घूम रहा था। उम्मीद था सबको कि चूंकि रेंज बाउंड में है तो रेंज बाउंड से जब बाहर निकलेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन बजाय प्राइस ऊपर जाने के प्राइस फिर नीचे आ गया। अब देखेंगे 25 रुपए से लेकर 20 रुपए वाले रेंज में आ रहा है। अब इस बात की अब संभावना है कि हो सकता है कुछ दिन फिर 25 रुपए से 20 रुपए के रेंज में ट्रेड मतलब समय बिताए और इसमें कंसोलिडेशन रेंज में से ब्रेक करने के बाद प्राइस फिर ऊपर निकले, तो इसके लिए अब मुश्किल और हो जाएगी। पहले इस पे से जब आएगा तो फिर इस रेंज में आकर समय बिताना पड़ेगा और तब इसके ऊपर निकलेगा तो फिर जाके इस अपने प्रीवियस हाई के पास आएगा, यानी कि डबल दरवाजा इसको ब्रेक करना होगा। और ऐसे समय में जब कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत होने के बजाय और डाउन हो तो ये मतलब जो ब्रेकआउट देने वाली बात है यहाँ पे चार्ट पे वो और मुश्किल होते हुए दिखने लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब प्रॉफिट लॉस में आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा कि कंपनी प्रॉफिट में है नहीं, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात कर लें, यहाँ पे कंपनी लॉस में दिखेगी। कंपनी के चाहे नेट प्रॉफिट की बात करें या प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, दोनों में कंपनी आपको लॉस में दिखेगी। यहाँ पे सीधे क्वार्टर्स रिजल्ट पे हम चलते हैं, क्वार्टर्स रिजल्ट पे भी देखेंगे तो जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है पिछले क्वार्टर मुकाबले इसमें कम सेल्स हुआ है। जो पिछला क्वार्टर का रिजल्ट आया था यानी कि जो जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया था क्वार्टर वन का, वह भी देखेंगे तो उसमें भी कंपनी प्रीवियस जो कंपनी का सेल्स हुआ था उससे कम इसमें सेल्स हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब लगातार 3 क्वार्टर से कंपनी के सेल्स कम हो रहे हो तो इसका मतलब यही होता है कि कंपनी के स्थिति सही नहीं है, और सिर्फ सेल्स ही कम होने की बात नहीं है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी दिखेगा आपको कि कंपनी के कम हो रहे हैं। सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये है कि इस कंपनी के जब आप इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स की हिस्सेदारी आपको 75% के आसपास दिखेगी। अभी 75% में आपको समझना होगा कि जो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है उसकी हिस्सेदारी कम से कम 40% के आसपास इस स्टॉक में है, और बाकी जो जेएम फाइनेंशियल ग्रुप है जेएम फाइनेंशियल का इस स्टॉक में तकरीबन 35% के आसपास हिस्सेदारी है। यानी कि प्रमोटर्स में सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो मुकेश अंबानी की है, और मुकेश अंबानी की कंपनी के फंडामेंटल्स इतने बुरे हों तो लोगों का भरोसा थोड़ा बहुत डगमगाएगा, वो चाहेंगे कि जो अंबानी साहब हैं कुछ बेहतर करें इस स्टॉक में, स्टॉक के लिए, स्टॉक के निवेशकों के लिए। तो यहाँ पे इनके तरफ से ऐसी कुछ ठोस पहल करती हुई देखी नहीं जा रही है, इसलिए थोड़ा सा घबराहट होना लाजमी है।
बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर जब आप इस स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक फिलहाल किसी रेड फ्लैग में देखने को आपको नहीं मिलेगा, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे मार्केट चूंकि अभी ओपन है तो जब आप डाटा देखेंगे, डाटा में देखिए अभी भी इस कंपनी में जो बायर्स हैं सेलर्स से अधिक है, तो कहीं ना कहीं ये एक चीज बेहतर यहाँ पे दिखा रहा है कि मजबूती बनी हुई है बायर्स के पक्ष में ये मार्केट, लेकिन कुछ खास अंतर है नहीं, 6 लाख के आसपास ये भी, 6 लाख है ये भी है। ओवरऑल बात ये है कि आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देखिए इतनी जल्दी घबराना नहीं चाहिए आपको, आपको थोड़ा और समय देना चाहिए। वैसे भी प्राइस अभी 20 रुपए तक आने दीजिए, 20 रुपए तक, 20 रुपए के आने के बाद में फिर आपको अपडेट करूंगा कि आगे क्या करना है। तब तक के लिए आप वेट कीजिए, घबराने से कुछ नहीं होगा, पेशेंस रखिए, पेशेंस से ही पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी समझ में आया होगा। मन में कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा, व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।